हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं हिडन फैक्ट अबाउट काबा यू डिडंट नो। एज यू नो, हम काबा के ऊपर वीडियोस करते रहते हैं अपनी रिएक्शन वीडियो, जो कि काफ़ी वीडियो हमने की भी हुई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं काबा के बारे में। तो हिडन फैक्ट आज हम एक और बार आपके लिए नई सीरीज लेके आई है। देखते हैं इस वाली वीडियो में वो कैसे कैसे फैक्ट बताए गए। और डेफिनेटली यार, काबा के हमें जो प्लेस है काबा, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए हम इसके ऊपर वीडियोस लेके आते हैं आप लोगों के लिए। फिलहाल हम वीडियो को करेंगे स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हमारे अपनी राय कॉमेंट में ज़रूर दे देना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। खाना काबा से मुतल्लिक ऐसे हैरत अंगेज हकायक जो कि आप यकीनन आज से पहले नहीं जानते होंगे। अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर सबसे पहला घर जो तामीर हुआ वो बैतुल्लाह था, जिसके बाद तूफ़ान नूह आने के बाद इसके कुछ आसार बाकी रह गए। जबकि इसकी मौजूदा तमीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। वक्त के साथ साथ इसकी जगह के अंदर तोसी होती रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काबा के पास इस तरफ मौजूद छोटा सा एक कब्रिस्तान मौजूद है जो कि एक पुल के साथ मिलता है। काबा की तोसी के लिए चाहने के बावजूद भी इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस जगह से मस्जिदुल हराम को नहीं जोड़ पाए, क्योंकि जितनी बार भी कोशिश की गई या तो इनकी मशीन ने काम करना छोड़ दिया या मट्टी इस काबिल न रही कि इस पर कोई भी काम शुरू किया जा सके। इसीलिए आखिरकार तंग आकर इस जगह को छोड़ दिया गया। मगर तहकीक करने पर पता चला कि ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर मुशरिकीन मक्का इस्लाम से पहले अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे अपनी गैरत के नाम पर, क्योंकि इस वक्त बेटा पैदा होना फ़खर की अलामत थी, जबकि बेटी पैदा होना शर्मिंदगी और नामर्दानगी समझी जाती थी। बहुत से गैर मुस्लिमों को लगता है कि मुसलमान अल्लाह की नहीं बल्कि इस काबा की इबादत करते हैं, इसी को सजदा करते हैं, या फिर हो सकता है कि इस काबा के अंदर कोई बुत या मूर्ति मौजूद हो जिसके आगे मुसलमान सजदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर का तो आम जबान के अंदर मतलब यही निकलता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुसलमान काबा की नहीं बल्कि काबा की रब की इबादत करते हैं, और ये अल्लाह का घर बस मुसलमानों को एक जगह पर इकट्ठा करने और एक उम्मत बनाने के लिए है कि दुनिया भर के मुसलमान ज़मीन के सेंटर के अंदर मौजूद एक ही जगह की तरफ मुँह करके इबादत करें। क्योंकि इसी काबा के ऊपर सातवें आसमान पर एक और काबा बैतुल मामूर के नाम से मौजूद है, जहां पर हर रोज़ 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और एक बार जो फरिश्ता यहां पर इबादत कर ले जिंदगी भर इस फरिश्ते की दोबारा बारी नहीं आती। अगर काबा मुसलमानों के लिए वाकई अल्लाह ताला का असली घर होता जैसा कि आम तौर पर हम समझते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ही काबा की छत पर मुसलमान चढ़कर अजान दिया करते थे। क्या कोई अपने रब के घर की इस तरह से बेहुरमती कर सकता है कि उसकी छत पर खड़े होकर अजान दे? आम तौर पर आपने खाना काबा की सिर्फ ये इमारत ही देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के अंदर क्या है? फतह मक्का से पहले तक मुशरिकीन मक्का भी काबा की तरफ मुंह करके ही इबादत किया करते थे, लेकिन क्योंकि शिर्क करते थे इसलिए काबा के अंदर बुत भी रखे हुए थे, जिनमें से कुछ तो आपकी पैदाइश पर मुंह के बल गिरकर खुद ब खुद टूट गए और बाकी फतह मक्का के मौके पर तोड़ दिया गए, जिसके बाद खाना काबा की इमारत को नमाज और इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब क्योंकि बेहद ज़्यादा तादाद के अंदर आम मुसलमान काबा का रुख करते हैं, इसीलिए आम आवाम के लिए इसे बंद कर दिया गया और सिर्फ शाही ख़ानदान के लोग या फिर खास शख्सियात मसलन किसी मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म के लिए ही काबा को खोला जाता है, जहां जाकर वो इबादत भी कर सकते हैं और अंदर से काबा की ज़ियारत भी। काबा की इमारत के अंदर जैसे ही आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, मार्बल का एक बड़ा सा बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर तमाम ऑयल और खुशबुएँ मौजूद हैं, जिनसे काबा को साल में 3 मरतबा साफ़ किया जाता है। 3 बड़े पिलर्स के साथ कुछ लटके हुए सोने के मग मौजूद हैं, जो कि पिछले 1400 सालों से बादशाहों और दुनिया के बड़े लीडर्स की तरफ से तोहफे के तौर पर दिए गए। पिलर्स के साथ मौजूद ये मिसिंग लाइन जानबूझकर ऐसे ही छोड़ दी गई है और एक निशानी के तौर पर मौजूद है, क्योंकि ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद काबा में दाखिल होकर इस जगह पर नमाज अदा की। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में दाखिल होने वाले मेन गोल्डन दरवाजे के अलावा एक और खुफिया दरवाज़ा भी तारीख के अंदर मौजूद रहा है, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है। 19 अगस्त सन 2018 के अंदर हज के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड हवाई तूफ़ान मक्का के अंदर पहुंचा। इतना तेज़ तूफ़ान के हाजियों के आर्जी खेमे तक उखड़ गए। इसी दौरान तेज़ बारिश भी हुई, लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ मंजर तब देखने को मिला जब हवा से गिलाफ काबा उड़ने लगा और इसकी असल इमारत हाजियों की नज़रों के सामने थी, जो कि दुनिया के कुछ ही मुसलमान को देखना नसीब होता है। इस वक्त काबा का एक तारीखी सच लोगों के सामने आया कि तारीख के अंदर काबा का एक और दरवाज़ा भी मौजूद रहा है, जिसका निशान वाज़े तौर पर आज भी मौजूद है।
और ये सीधी काले रंग की हॉरिजेंटल लाइन इस दरवाजे का ऊपरी हिस्सा था जिसके बारे में आज भी ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। दरअसल इसकी तारीख कुछ यूँ है कि सन 64 हिजरी के अंदर जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया तो उन्होंने हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश पर इस दरवाज़े को बनाया, क्योंकि इनके मुताबिक उन्होंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुना था कि इनकी ख्वाहिश है कि काबा के अंदर एक दरवाज़ा और भी मौजूद हो ताकि एक तरफ से अंदर दाखिल होने वाले लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकल सकें। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुद नहीं किया, जिसकी दो बड़ी वजूहत थी। एक तो फंड्स की कमी और दूसरा अभी अभी इस्लाम कबूल करने वाले फतह मक्का के कमज़ोर अकीदा के मुसलमान जो इस बात पर एतराज़ करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जद अमजद यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत का नक्शा खुद से बदल दिया और वह बाद में खुद भी ऐसा ही करते। सन 75 हिजरी के अंदर जब बनू उमैया ने हजाज बिन यूसुफ की सरबराई में मक्का पर हमला किया, इस दौरान खाना काबा की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा, मगर बाद में इसे दोबारा तामीर किया गया और इसी तामीर के दौरान इस दरवाजे को भी ख़त्म कर दिया गया, जो कि इसकी मौजूदा तामीर के अंदर आज भी निशान के तौर पर वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं। जबकि काबा के दोनों दरवाज़ों को इस्लामी ख़जाने के तौर पर म्यूज़ियम के अंदर रख दिया गया, जहाँ वो आज भी मौजूद हैं। म्यूज़ियम में रखे हैं दो दरवाजे। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के दरवाजे के पास एक छोटे से हिस्से का नाम है मुल्तज़िम, जो कि 2 मीटर का एरिया है जहाँ पर खड़े होकर और हाथ लगाकर जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। जैसा कि सही हदीस मुबारक से साबित है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरे अस्वद और काबे के दरवाजे के दरमियान मौजूद जगह पर खड़े होकर मांगी गई हर दुआ को हर सूरत कबूल करने का वादा किया है। काबा की दीवार के साथ मौजूद ये सर्कुलर निचली दीवार को हजरे इस्माइल या हतीम कहते हैं और ये वो जगह है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी और इसीलिए उम्रा और हज करने वाले लोग यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल अदा करने को बहुत बड़ी सआदत समझते हैं, क्योंकि उनके भी गुनाह इस नमाज के बाद अल्लाह ताला बिल्कुल वैसे ही माफ़ फरमा देता है जैसे इनके बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खता को माफ़ किया। खाना काबा के 4 कोनों में से एक कोने का नाम है रुकने यमानी और इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह डायरेक्शन के अंदर यमन मुल्क की तरफ मौजूद है, जबकि हजरे अस्वद के मुखालिफ मतवाजी सिमत में। इस जगह पर छोटा सा एक क्रैक मौजूद है जहां पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई और यह निशान 1400 साल गुजरने के बाद आज भी मौजूद है। खाना काबा से मुतालिक हैरत अंगेज़ हकायक का यह पार्ट 2 था। अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज यार देखो, आज की जो इन्होंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं, हिडन फैक्ट्स, रियली में हिडन ही है। इससे पहले की जितनी भी हमने वीडियो की है उनमें ये सब नहीं बताया गया है। इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें बताई गई है कि एक हिडन गेट है। तो हिडन मेरे हिसाब से इसका टाइटल इसी तरह से रखा गया है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो आम लोगों को नहीं पता है नॉर्मली, जैसे हमने इनकी वीडियोज़ काफ़ी सारी देखी हुई है और हमें भी नहीं पता, लेकिन जैसे कि मुस्लिम्स लोग हैं मे भी क्या पता उनको भी ना पता हो इस वीडियो के बारे में। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है इसके हिडन फैक्ट वो, जैसे कि गेट वाला हो गया और जैसे कि अंदर के साइड में, और जो ये एक कोने में क्रैक है वो वाला भी बिल्कुल अलग था। मतलब इससे पहले जितनी वीडियो देखी है ये चीज़ें बिल्कुल अलग थी। तो बहुत ही मज़ा आया हमें, इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट करके, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।